कांग्रेस को चुनाव जीतने में जितनी मेहनत करनी पड़ी उतनी ही मेहनत तीन राज्यों के सीएम को चुनने में भी करनी पड़ी। चुनाव के नतीजों के बाद खूब मेल मुलाकातें हुई, दिल्ली के चक्कर भी खूब लगे, बैठकें भी खूब हुई। मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले दिल्ली में घंटों तक जो सियासी ड्रामा चला वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार तो बना रही है, लेकिन उस सरकार को चलाने के लिए सारथी चुनने में पार्टी के पसीने छूट गए। राजस्थान में सीएम के लिए सचिन पायलट को बुलाया गया, फिर अशोक गहलोत को भी निमंत्रण भेजा गया, राहुल गांधी के साथ चर्चा हुई, बातचीत का लंबा दौर चला। वहीं मध्य प्रदेश के लिए भी कम माथापच्ची नहीं हुई, एक तरफ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दूसरी ओर कमलनाथ। राजस्थान की ही तरह मध्य प्रदेश के भिन्न दोनों नेताओं को दिल्ली हाजिर किया गया और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। छत्तीसगढ़ में भी सीएम की राह आसान नहीं दिखी, एक ओर मुलाकातें हुई, बैठकों का दौर चलता रहा तो दूसरी ओर अपने अपने पसंदीदा नेता के समर्थन में कांग्रेस नारेबाजी करते रहे। तीनों ही राज्यों के लिए सीएम का चुनाव करना पहाड़ चढ़ने से कम नहीं साबित हुआ। दिन भर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गाड़ियां आती रहीं जाती रहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट तो दिख रही थी लेकिन शायद अंदर ही अंदर घबराहट भी थी।